आज हम लोग मिमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग मिमी बॉटल ब्रश कहते हैं। आप लोग सभी को पता होगा कि बेबी को हम लोग को बहुत हाइजीन भी मेंटेन करना होता है और काफ़ी साफ रखना होता है, ताकि बेबी के को किसी ढंग का इन्फेक्शन वगैरह से प्रॉब्लम ना हो। ऐसा जैसा कि आप लोग सभी को पता होगा कि बेबी का ज़्यादातर मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं एक डेढ़ साल तक, और मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि सबसे ज़्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया अटैक करते हैं, और ख़ासकर बेबी के बॉटल्स को क्लीन रखना इसीलिए हमेशा काफ़ी ज़रूरी होता है। उसी से रिलेटेड हम लोग आज जिस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसीलिए मिमी बॉटल ब्रश है। बॉटल ब्रश मिमी का हमारे पास में तीन डिज़ाइंस में अवेलेबल है। एक ये है, दूसरा हमारा बॉटल ब्रश जो है वो ये वाला है, और थर्ड जो हमारा बॉटल ब्रश है ये 360 डिग्री रोटेशनल बॉटल ब्रश है। एक एक करके हम लोग पहले कॉमन फीचर जान लेते हैं कि हमारे तीनों बॉटल ब्रश में कॉमन फीचर्स क्या क्या है। हमारे तीनों बॉटल ब्रश का जो ब्रिसल्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एक बॉटल ब्रश में जो होता है उसका ब्रिसल्स होता है। हमने अपने ब्रिसल्स को सॉफ्ट स्टडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हाईली फ्लेक्सिबल नायलन ब्रिसल से तैयार किया है। हमारे जैसा कि आप देख पा रहे हैं आसानी से ये हो जा रहा है। हमारा जितना भी बॉटल ब्रश है सभी में हम लोगों ने हाईली फ्लेक्सिबल और स्टडी नायलन सॉफ्ट नायलन ब्रिसल्स का इस्तेमाल किया है। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न क्या है कि जो नॉर्मल बॉटल ब्रश जो मार्केट में हमें मिलता है वो उसमें प्लास्टिक ब्रिसल्स इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम लोगों ने इसमें नायलन ब्रिसल्स इस्तेमाल करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि सबसे पहला कि ये बॉटल्स में आसानी से क्लीन कर सकता है, बॉटल्स के कोने कोने तक ये पहुँचता है। दूसरा, जल्दी ये स्प्रेड नहीं होता है, मतलब जल्दी ये ख़राब नहीं होता है। बहुत सा लोकल का जो अब प्लास्टिक ब्रिसल्स वाला बॉटल ब्रश हम लोग देखते हैं वो 7-8 या 10 धुलाई के बाद वो मुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, स्प्रेड कर जाता है, ख़राब हो जाता है, लेकिन हमारा ये बॉटल ब्रश काफ़ी फ्लेक्सिबल नायलन ब्रिसल्स होने के कारण काफ़ी लंबे समय तक ये ब्रिसल्स चलता है। दूसरी इसकी बेनिफिट जो है वो ये है कि खासकर प्लास्टिक बॉटल्स में जब हम इससे वॉश करते हैं तो बॉटल्स में इसमें नायलन होने के कारण बॉटल्स के बॉडी पे या वॉल्स पे बोल सकते हैं कि किसी ढंग का स्क्रैचेस ये क्रिएट नहीं करता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बॉटल का वो होता है बॉटल का बेस। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक बॉटल का वो होता है बॉटल का बेस। तो जहाँ पर मिल्क जाकर जम जाता, आप लोग सभी को पता होगा कि मिल्क एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा लिक्विड है जो कि किसी भी बर्तन में, किसी भी यूटेंसिल्स में आप रखिएगा तो उस यूटेंसिल या उस बर्तन के नीचे पार्ट में वो जम जाता है, उसका क्रीम देखिएगा जम जाता है। उसी ढंग से बॉटल्स के नीचे में भी ये ब्रिसल्स, इस मिल्क का जो रेसिड्यूल्स होता है वो जम जाता है, क्रीम वाला पार्ट जो होता है। तो बॉटल के बेस को क्लीन करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है अपने बॉटल ब्रश के ब्रिस जो टॉप पोर्शन हो, टिप जो है वहां पर भी हम लोगों ने ब्रिसल्स दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पूरा राउंडेड ब्रिसल्स दिया हुआ है। तो हमारे तीनों ही बॉटल ब्रशेस में यहाँ राउंडेड ब्रिसल्स दिया गया है, जिससे क्या होता है बॉटल के ये अंदर तक जाता है और बॉटल के बेस को और चारों साइड किनारों को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन करता है। इसके अलावा क्या है, हमने जैसे यहाँ पर इस बॉटल ब्रश में देखिए और हमने रबर ग्रिप का फिनिशिंग दिया हुआ है। इसके अलावा का हैंडल्स जो है इसका काफ़ी लंबे लंबे हैंडल्स दिए गए हैं ताकि ये बॉटल के अंदर तक काफ़ी अच्छी तरीके से जाके क्लीन कर सके। इन सभी के साथ साथ जो नॉर्मल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक बॉटल ब्रश में कि बॉटल में कि उसका निप्पल को क्लीन करना। हमें मार्केट में यूजुअली जनरली बोल सकते हैं कि आपका बॉटल क्लीनिंग के लिए ब्रश तो अवेलेबल मिल जाती है, पर निप्पल्स क्लीन करने के लिए हमें कुछ नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि हमने अपने सभी बॉटल ब्रश के साथ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ देखिए इसके संग में एक निप्पल क्लीनिंग ब्रश भी अटैच किया गया है, इसके साथ भी देखिए आप निप्पल क्लीनिंग के लिए एक ब्रश अटैच किया गया है, और इसमें जो है हमने इस ढंग का ये आपका लाइनिंग डिजाइन बनाया हुआ है पतले से इसको निप को करके, ताकि ये निप्पल के अंदर तक जाके इन एंड आउट प्रोसीड्योर से निप्पल को काफी अच्छे तरीके से क्लीन कर सके। जो हमारा तीनों बॉटल ब्रश है, मैं पहले इस डिजाइन के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। ये आपका किसी भी ढंग का ब्रॉड नेक बॉटल्स जितना भी आता है या वाइड नेक बॉटल्स जितना भी आता है ये उसके अंदर, या नैरो नेक बॉटल जो भी आएगा, ये सभी में काफी आसानी से अंदर तक जाकर क्लीनिंग कर सकता है। इसके अलावा ये बॉटल ब्रश है
ये आप किसी भी बॉटल के साथ में आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी बॉटल ब्रश में, बॉटल्स के साथ में ये इसको क्लीनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। और ये जो है हमारा, ये हमारा सबसे बेहतरीन बॉटल ब्रश इसको माना जाता है, क्योंकि ये 360 डिग्री हैंडल्स के साथ में आता है, जो कि बॉटल के अंदर 360 डिग्री हम रोटेट करके किसी भी साइड को, बॉटल्स का इनर पार्ट को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और बहुत इन तीनों में ही फ्लेक्सिबल ब्रशेस दिया गया है। तो ये हमारे बॉटल ब्रश का जो मेन इंपॉर्टेंट यूएसपीज था या फीचर्स था, उसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।